200 करोड़ का डिफेमेशन केस भी लग रहा है आपके ऊपर, क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्योंकि आप इंडिया में काफी दिनों से नहीं थे तो आपके पीठ पीछे 200 करोड़ का डिफेमेशन केस लग रहा है। कुछ नहीं पता, मैं तो अभी उमरा करके आई हूँ, पावन धरती पर गई थी मैं, वहाँ पे पाक जगह पर कौन क्या कर रहा है, कौन क्या ड्रामा कर रहा है, ये किसकी बात कर रहे हैं मुझे पता नहीं है बिल्कुल। ये क्या खराबी थी जो इस्लाम पकड़ लिए हो, क्या खराबी थी? हिंदू धर्म में कभी कोई खराबी नहीं थी। मैंने मुस्लिम में शादी करी थी, निकाह किया था, तो इसलिए जब निकाह कर लेते हैं तो आप इस्लाम कबूल करते हैं, तो आपको पिछले एक साल से मैं हूँ, एक साल से शादीशुदा हूँ आदिल के साथ, तो इस्लाम आप कबूल कर लेते हैं। तो ये तो मैं बहुत लक्की हूँ कि मेरा बुलावा आया था मक्का मदीना, और बस पहली बार जब रिजेक्ट कर दिया गया था तो अभी आप किस तरह से गए? ये गलत बात है, बिल्कुल कहीं किसी ने रिजेक्ट नहीं किया, ये मेरे सुलेमान भाई है दुबई से, उन्होंने मेरा वीजा बनाया था। तो राखी, आप एक और कहा जा रहा है कि आपका नाम चेंज नहीं हुआ है डॉक्यूमेंटेशन में, पर फिर भी आपने उमरा किया है, सवाल ही उठता नहीं है, गलत बात है। तो क्या आपने पूरे डॉक्यूमेंटेशन में अपना नाम चेंज कर लिया है? वक्त बताएगा। और सुनो, ये जो वेल्ले बैठे है ना, ये ड्रामेबाज, ये फुकरे, ये जो मेरे नाम की पब्लिसिटी राखी राखी करके मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, बेरोजगार बैठे हैं, वो जो मेरे नाम की पब्लिसिटी खा रहे हैं, मुझे उनसे दूर रखिए प्लीज। मैं एक नेक और खुदा को बिलीव करने वाली हूँ। आप लोग मुझे बोलते हैं जो मुसलमान होकर, जो पैदाइशी मुसलमान होकर, एक मिनट, मंदिर जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं, तो आप उनको कुछ नहीं बोलते हैं? अगर एक हिंदू लड़की काबा शरीफ चली गई और खुदा से मिली, उन मेरा बुलावा आया, तो आप लोगों ने तो जलजला मचा दिया। चलिए, एक मिनट, मुझे लगता है कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, थोड़ा पीछे मेरे पीछे से पब्लिसिटी कोई खाने की कोशिश ना करे, हाँ हट जाओ। अच्छा, अरे तो मैं ये कहना चाह रही हूँ दोस्तों कि मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मेरा बुलावा आया, बड़े बड़े अमीर तुर्रम खान बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स बिलियनियर्स, उनका बुलावा आया नहीं है, लेकिन तुम्हारी राखी सच्ची है, खुदा को लगा कि ये लड़की सच्ची है, और मैंने रोजे रखे परफेक्ट, मैं पिछले एक जब से आदिल से शादी करी कुछ पिछले एक साल से बरोबर मैं इस्लामिक हूँ और रोजे किए, नमाज पढ़ती हूँ, मेरा बुलावा आ गया, तो अल्लाह ने मुझे बुलाया, खुदा ने बुलाया, बस और क्या चाहिए। अच्छा, राखी, आपका इंस्टाग्राम के बारे में भी कहा जा रहा था कि आपने ही डिसेबल किया था और बाद में आपने ही उसको एक्टिवेट कर दिया। मेरा रातों रात इंस्टाग्राम जो है वो गायब हो गया था, मैं वाहिद भाई रोते रोते हम लोग पुलिस स्टेशन गए थे, वहाँ पे कंप्लेंट किया, और कंप्लेंट करने के बाद जो फेसबुक के जो ओनर है, पुलिस ने इमीडिएटली उनको मेल किया, और मैंने कहा कि मुझे वहाँ से लाइव जाना बहुत जरूरी है, और इन लोगों ने मेरा इंस्टाग्राम हैक करवा दिया है, क्योंकि एक पोस्ट डाला था मैंने कोई जेल वेल का, तो फिर उन्होंने 24 घंटे में उन्होंने मेरा, जब मैं वहाँ पहुंची, 24 घंटे तो लगे मुझे यहाँ से मदीना फिर मक्का, वहाँ पहुंची तो मेरा इंस्टाग्राम मुझे मिल गया, इसके लिए मैं
ओशिवारा पुलिस की शुक्रगुजार हूँ और फेसबुक और इंस्टाग्राम के जो ऑनर है उनकी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरा तत्काल मेल किया। पुलिस ने मेल किया तो 24 घंटे में आया। अगर पुलिस मेल नहीं करती तो शायद 2-4 दिन लगे। ओके, शांत रहिए प्लीज। मैं अभी बहुत काम और कूल हो गई हूँ, एकदम काम और कूल हो गई हूँ, क्योंकि वहाँ पर मैंने तवाफ किए। मैंने वहाँ पे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ही शांति फील हुई और ऐसा लगा कि मैं रो रही हूँ। ऐसा लग रहा कि मैं एक मेरी माँ की कोख में पहुंच गई हूँ। एक माता और पिता का सहारा मुझे वहाँ मिला और मुझे मेरे मुसलमान भाई बहनों ने वहाँ मुझे इतना प्यार दिया, हर किसी ने प्यार दिया मुझे वहाँ पर। राखी, मुझे बहुत अच्छा लगा। राखी, जैसा मुसलमान की तरफ से आपको वहाँ पर इतना प्यार मिला, आपको नहीं लगता अगर आप आदिल के साथ जाती तो और इज्जत से और ज्यादा आपको प्यार मिलता वहाँ पर? शायद उसके नसीब में नहीं था। हालांकि उसने बड़े वादे किए थे शादी के बाद कि हाँ मैं आपको उमरा ले जाऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, पहला उमरा तो हस्बैंड या फैमिली के साथ ही होता है, लेकिन मुझे अकेले जाने मिला और ये उसकी बदकिस्मती है कि वो वहाँ नहीं पहुँचे और उसका ना बोल, क्योंकि वो लोग झूठे एक नंबर के हैं, वो शैतान के बच्चे हैं, झूठे एक नंबर के हैं, इसलिए उनका बुलावा नहीं आया। शैतान के बच्चों के बारे में मुझे कुछ ना पूछा जाए। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में भी आपके सारे नाम चेंज हो जाएंगे और अभी आप जैसे खुदा ने मुझे ऐसे ही पैदा किया है और खुदा मुझे ऐसे ही प्यार करते हैं, खुदा को डॉक्यूमेंट्स की और नाम चेंजिंग की जरूरत नहीं है। गाड़ी का